सपना चौधरी ने ज्योति को दी धमकी, उंगली काटकर ऐसी जगह गाड़ दूंगी कुछ करने लायक नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू FM न्यूज। बिग बॉस 11 में पहले हफ्ते के नॉमिनेशन के बाद ही घर वाले एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के अलावा सपना चौधरी का भी गुस्सेल हरियाणवी रूप सबको देखने को मिला। सपना 4 दिन से चुपचाप अपना खेल खेल कर रही थी, लेकिन कल जब अपनों ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो वो ज्योति कुमारी पर बरस पड़ी। गार्डन में अर्शी और सपना ज्योति के बारे में कुछ बात कर रही थी, तभी ज्योति आकर अर्शी को छेड़ने लगती है। तभी ज्योति सपना से भी कुछ ऐसा कहती है कि दोनों में बहस शुरू हो जाती है। सपना ज्योति को समझाते हुए कहती है कि लोगों के बारे में पता रखो, तो ज्योति कहती है कि वो घर में रहने आई है, किसी के बारे में पता करने नहीं। तब सपना ज्योति से बोलती है कि वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अपने पास रखें और उन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर देने की कोशिश ना करें। इसी के चलते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बात इतनी बढ़ती है कि सपना ज्योति से कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। माँ बाप का नाम लेते ही ज्योति भी भड़क गई और दोनों में जमकर बहस हुई। सपना भी हरियाणवी स्टाइल में ज्योति को डांटती दिखी। सपना ने ज्योति से कहा कि तुम साइको हो और तुम्हें अपना इलाज कराने की जरूरत है। अंदर आकर सपना घर वालों को बताती है कि ज्योति उनके साथ बदतमीजी कर रही थी और उंगली दिखाकर बात कर रही थी। अगर अब की बार उसने उंगली दिखाई तो उसकी उंगली काटकर ऐसी जगह गाड़ दूंगी कि कुछ करने लायक नहीं रहेगी। सपना के फैंस जरूर उन्हें आगे भी घर में इसी रोमांच के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन इन सब में बिहार की ज्योति कुमारी अलग थलग पड़ गई। सारे घर वाले एक तरफ और ज्योति एक तरफ हो गई। बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें।